तो अभी दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में आपने देखा हम लोग यमुनोत्री यात्रा पर गए थे, ऊपर 6 किलोमीटर पैदल और फिर वापस आए जानकी चट्टी, वो सारे स्थान देखे। और वहाँ से आने के बाद में हम लोग यहाँ पर रुके थे। ये बनास नाम से गाँव है, उसके पास में एक होटल बना हुआ है नदी के, यमुना जी के किनारे पर। बहुत सुंदर जबरदस्त लोकेशन है, एकदम नदी के किनारे पे बना हुआ है और यहाँ पे खूब सारे रूप बने हुए हैं। अभी हम जाएंगे नाश्ता करेंगे। आज थोड़ी धूप निकली है तो हम लोगों ने कपड़े ऐसे सुखाए हैं, कल से सुखाए हुए हैं वैसे तो। ये रूम मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखा दिया था, बहुत अच्छा सुंदर रूम मिल गया। और ये जो 6 किलोमीटर पहले है जानकी चट्टी से, 6.5 किलोमीटर ये जो लोकेशन है, इसकी लोकेशन और नंबर वगैरह जो मैं डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप भी यहाँ पर आएँ तो ठहर सकते हैं, किचन वगैरह इस साइड में, वहीं पर हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। ये यहाँ पर जो डाइनिंग एरिया है, किचन है इस साइड में, और ये है हमारा पराठा। दो है देखो भी, आज नाश्ते में क्या है हमारे लिए, आलू के पराठे। ये तेल नहीं खाती है इसलिए बिना तेल का लिए है, मैं तेल खा रहा हूँ। बिना तेल को कोई पराठे हो गए? खांसी ठीक नहीं है, कल 6 किलोमीटर जाके वापस आई, उससे काफ़ी हद तक ठीक हुई थी। यहाँ पर इस साइड में क्या है, यमुना जी बह रहे हैं, इसी के किनारे पर ये बना हुआ है लीफ वॉक होटल जो है, बहुत सुंदर दृश्य। यहाँ से नीचे है ना नदी के पास में भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पर नहीं जाएंगे। ये लोकेशन का गांव है बनास, उस बनास गांव में जा रहे हैं अभी। वहाँ पर सप्तऋषि कुंड है और स्नान करने के लिए भी जगह, आज मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ ना, वहाँ दर्शन करेंगे वहीं पर नहाएंगे। चलो, और ये जो रास्ता है ना ऐसा पगडंडी वाला, ऐसे रास्ते मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अभी जा रहे हैं यहाँ पर ऋषि कुंड बनास, तप्त जल स्रोत। ये मंदिर है भाई, यहाँ पर नारायण भगवान का एक नारायण मंदिर है। नारायण मंदिर, कौन सी? नारद गंगा नदी है ये। हम लोग नारद गंगा नदी के पास में जो ताप्ती कुंड है वहां स्नान करेंगे। यहाँ पर क्या है, कुंड बने हुए हैं गर्म पानी के इस साइड में, यह हम लोग आज स्नान करेंगे गांव के पास में। इधर एक झरना भी है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है और पानी है ना, कल हम लोग नहाए थे ना ऊपर यमुनोत्री में, उससे ज्यादा गर्म है पानी, इसमें मिक्स नहीं हो रहा है ठंडा, सीधा जैसा आ रहा है वैसा ही। ओ पग लाल हो गया मैं तो। डुबकी लगा दियो फटाफट, डुबकी लगा दियो। तो अभी दोस्तों हम लोगों ने स्नान कर लिया है। अच्छा पूरे वाटरफॉल बट है भाई, ये दृश्य बहुत सुंदर। उस कुंड के अंदर हम लोग स्नान कर आए थे, वहां पर वाटरफॉल भी है और इस साइड में यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। ब्रिज को क्रॉस करके हम लोग ऊपर गांव की बनास साइड, बनास गांव जो है उस साइड में जा रहे हैं। आगे से नदी बह रही है, नारायणी गंगा बोलते हैं, बहुत सुंदर दृश्य है। और इस साइड से हम लोग आए हैं जानकी चट्टी जो यहाँ पर है, इस पहाड़ के पीछे आगे वहाँ पर है जानकी चट्टी, और जहाँ हम लोग रुके थे वो सारी जगह, यमुनोत्री भी सब। तो ये दृश्य बहुत सुंदर है। यहाँ पर देखिए, ये हमने गाड़ी खड़ी करी ना, यहाँ एक गेस्ट हाउस भी बना है, तो जब ज़्यादा भीड़ होती है मई जून के अंदर उस टाइम आप यहाँ आकर के भी ठहर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उतनी ज़्यादा नहीं होती, श्रद्धालु से उधर से रोड से चले जाते हैं सारे।
यमुनोत्री जाने वाले, ये यमुनोत्री के मार्ग के अंदर ही है। और अब यहाँ से लगभग 150 मीटर पे गांव है ऊपर, वहां पर हम लोग जाके आ रहे हैं। आज नवरात्रि का दिन है। ये गांव है भाई हम लोग जहाँ पे आ गए, गांव का नाम बनास है। बनास ये गांव का दो पार्ट है, उधर भी छोटा सा पार्ट है। अच्छा, ये खेतों से हल लेके आए हैं जुताई करने के लिए। ये धारे का पानी आ रहा है इधर। देखो भाई, अच्छे तो ऐसे गांव ही लगते हैं, ऐसे घर लगते हैं, सर्दियों के हिसाब से बनाए हुए सारे। इनके अंदर ठंड नहीं लगती। आजा बेटा, टिको कटा ले बेटा। यावत गंगा कुरुक्षेत्र, इधर देखो बेटा, ऊपर देख, ऊपर। यावत गंगा कुरुक्षेत्र तावत तिष्ठतु मेदिनी, तावत राम तथा लोके, तावत जीवतु बालक, ऐश्वर्यमान बुद्धिमान बाला। बता दे। अच्छा, आज के अष्टमी है तो इसलिए इनके घर पे प्रोग्राम रखा है। ये बराउल भाई है, गांव बनास के अंदर इनका घर है, और इनके गांव में माता जी का मंदिर है, वहां पर भी प्रोग्राम है। नवरात्रि की दुर्गा पूजा हो रही है। ये पूजारी जी भी है उसी गांव के जहाँ से हरसाली के अंदर से हम लोग जाके हरसाली माता जी का शीतकालीन प्रवास है, वहाँ से आप आए हरसाली। जैसे पहाड़ों के अंदर माता जी का प्रोग्राम है और हम आपके गांव में आए, बहुत अच्छा लगा हमें। माँ यमुना आपको ऐसे माँ यमुना जो है आपको सदा सुखी रखे, हमारी यमुना जी से यही प्रार्थना है और आपकी मनोकामना पूरी हो। धन्यवाद। अच्छा, आप जो है वो पुजारी जी हैं, और जैसे बीकानेर साइड से राजस्थान से लोग आते हैं तो वो उनके आप पुजारी हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, तब उस एरिया के बारे में इनको काफी आपको पता है, पूरा जानकारी है। तो उधर से जो व्यास आते हैं, छगानी बनाने, छगानी आएगा, राठी आएंगे, महता आएंगे, चांडक आएंगे, स्वामी जी आएंगे, सभी लोगों की हम लोग पूजा वूजा करवाते हैं। चलो ठीक है, आपका शुभ नाम? महादेव प्रसाद। महादेव प्रसाद, राम राम। जय श्री राम। तो भाई हम लोग ऐसे गांव के अंदर विजिट करके आगे पूरा व्यू दिखा दिया आपको गांव का, और
उस वाटरफॉल को आप भूलना मत, जब भी आप आए ना वहां पर जरूर जाना। माता जी राम राम। चलो भाई चलते हैं, गांव देख लिया, अब आगे चलेंगे आज। तो भाई ये राहुल है और इनका है ये नाइट इन पैराडाइज होम स्टे करके जो है, जहां पर हम लोग रात को रुके थे, इस साइड में जो नीचे है नाइट इन पैराडाइज रिसोर्ट, 6-6.5 किलोमीटर पहले है जानकी चट्टी से। नियर बाय वो है बनास के, गर्म पानी है नियर बाय में, जहां पर अभी हम लोग नहा के आए। चलो ठीक भाई, हनुमान चट्टी जाते टाइम हम लोग हनुमान जी का मंदिर गए थे। देखो भाई हम लोग नीचे बड़कोट पहुंच रहे हैं, बड़कोट के बाद में लखा मंडल पहुंचेंगे, वहां मंदिर दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद में आगे चलेंगे वापस। नीचे जैसे ही आए हैं एकदम धूप खिल रही है जबरदस्त, और कोट वोट सब निकालने का मन कर रहा है। ऊपर बहुत अच्छी लोकेशन थी, एकदम ठंडी। लखा मंडल में मंदिर है, वो दर्शन करेंगे अभी। टाइम हमारे वीडियो में आप बीच में देखते रहे, इस जगह मैं दिखाता रहता हूँ। रास्ते में बड़कोट से आगे रुके हैं, बड़कोट आया मार्केट, अभी बहुत ट्रैफिक था वहां पर, वहां से थोड़ा सा आगे निकल करके हम तरबूज खा रहे हैं। क्या खा बेटा? तरबूज। मिठू है अच्छे। गा कौन है? पक्षी कोयल बोला, कोयल। मम्मी माँ मैया रिया नहीं मैया गैया गैया नहीं मैया गैया देखो भाई हम लोग लाखा मंडल पहुंच चुके हैं, लाखा मंडल और गांव का नाम है लाखा मंडल भाई, और ये लाखा मंडल का मार्केट। टर्न राइट। हम लोग जो लाखा मंडल पहुंच चुके हैं, लाखा मंडल के अंदर भगवान शिव का बहुत ही पुराना मंदिर है। मंदिर अभी जो आप देख रहे हैं एक मंदिर यहां पे बचा हुआ है, कह रहे हैं कि यहां पर कई सारे अनेक मंदिरों का एक समूह था, और मंदिर जो करीब 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास के कई सारे अवशेष मिले उनसे अनुमान लग रहा है, और कुछ मूर्तियां और मंदिर जो है वो 12वीं-13वीं शताब्दी के भी हैं। अवशेष देखिए यहाँ पर इतने सारे अवशेष पड़े हैं मंदिरों के समूह के, बाकी मंदिर कहाँ थे पता नहीं है, लेकिन अभी जो एक मंदिर है लाखा मंडल के अंदर भगवान शिव का मंदिर है, वहां पर अभी हम लोग चल रहे हैं। इतिहास जो है 5वीं-6वीं शताब्दी से ज्ञात होता है, लेकिन ये मंदिर जो 12वीं-13वीं शताब्दी का बना हुआ है, बस इस तरह से यहाँ पर देखिए लिखा हुआ था, सबसे पुराना मंदिर है इस एरिया के अंदर, बहुत प्राचीन मंदिर है। शाबाश। यहाँ पर ऐसी सीढ़ियाँ होती है, देखो एक एक पत्थर लगा दिया बीच बीच में, ऊपर लकड़ी का बैठने के लिए बना दिया ऐसे ही। आज दुर्गाष्टमी है इसलिए हर जगह मंदिरों पर छोटे मोटे प्रोग्राम चल ही रहे हैं, और हम लोग अब मंदिर दर्शन करेंगे। अभी हम लोग मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि जय श्री राम, हम लोग जो दर्शन करके आ गए मंदिर में, और भगवान शिव का बहुत ही प्राचीन मंदिर मैंने आपको दिखाया वैसे बताया, और वापस जाएंगे उस पार है, उस पार से रोड है, यहाँ से आगे हम लोग जहाँ स्टे करना है आज। मंदिर ये जो मंदिर है इसका निर्माण 12वीं-13वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन जो इस मंदिर परिसर से ही प्राप्त 6वीं शताब्दी के एक प्रस्तर अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि सीएमपुर के राजप्रसाद संबंधी राजकुमारी ईश्वरा ने अपने पति चंद्रगुप्त जो जालंधर के राजा का पुत्र था के निधन पर उसकी सदगति एवं आध्यात्मिक उन्नति है तो इस शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी कि 5वीं-6वीं शताब्दी तक के साक्ष्य मिले हैं, और ये इस मंदिर का अनुमान 12वीं-13वीं का लगा रहे ऐसा कुछ है। ठीक है अब चलते हैं।
मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे शाम हो रही है और आज कहाँ पर स्टे करेंगे देखते हैं, थोड़ी दूर चलेंगे। आजा कुजा, शाबाश। हाँ अब आप ही कुजा बैठ के कूद, हाँ बैठ बैठ, हाँ अब आजा। यमुना मैया के पास पास में चल रहे हैं, यमुना जी के। Turn right onto National Highway 507. लोग आप पहुंचे हैं भाई नाग टिब्बा, नाग टिब्बा बहुत सुंदर लोकेशन है, बहुत सुंदर ट्रेकिंग साइट है, हिल स्टेशन है। यहाँ पर हम जहाँ पे जा रहे हैं ठहरने वाले हैं वो स्टेस गांव से 3-4 किलोमीटर आगे है। तो देखो भाई हम लोग इतनी जबरदस्त सुंदर लोकेशन के ऊपर आ गए हैं नाग टिब्बा के पास में। बाकी कल सुबह दिखाऊंगा अगले वीडियो के अंदर आपको यहाँ के नजारे। लोकेशन जोरदार है, सुबह सुबह जल्दी उठ जानी जद मजा आ से। और ये लोकेशन है जहाँ पर आज हम लोग ठहरे हैं भाई, इसके बारे में पूरा हम सुबह वीडियो में बताएंगे। अब तो कुछ दिख नहीं रहा, अंदर से बोले देख लो इतना सुंदर रूम है, काफल काफल पूरा लकड़ी का बना हुआ है, काफल इसका नाम है, काफल वुड हाउस। वैसे तो काफल एक फल होता है, तो पिछली बार उत्तराखंड की यात्रा पे आए थे ना हम लोगों ने, खूब खाए थे, याद है कि इधर डबे नहीं काफल याद कर। हाँ हाँ मैं काफल, उसी के नाम से इसका नाम काफल। मैं बहुत ठंडी आज, मैं बैठ के बाहर यहाँ पर बैठ के वीडियो एडिट करने वाला हूँ। अभी शाम हुई, कितना अच्छा जबरदस्त मौसम है, देखा यहाँ पर ठंड नहीं है, बस ऐसे ही बैठे हैं। रूम के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं, हाँ रूम के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, बाहर हल्की हल्की है। चलो नींबू वाली थोड़ी थोड़ी चाय पियेंगे, अभी हम लोग नींबू वाली चाय पी रहे हैं आते भाई। नींबू ज्यादा है क्या? बोतल हमेशा पानी पीने की कांच की होनी चाहिए भाई। क्या खतरा होनी चाहिए? प्लास्टिक आपने सागे गिटी जाए, कांच गिटी जाए कौन बेटा? अच्छा ये वो खासी क्या बेटा? ओ पुलाव है बेटा, चावल को नमकीन चावल, चावल एक कटोरी में डाल दो। स्वादिष्ट चावल है, स्वादिष्ट।